ओके तो गाइस दिल्ली में है हमारा दूसरा दिन और आज हम जा रहे हैं घूमने वेस्ट ऑफ वंडर। तो मैंने काफ़ी वीडियोस और फोटोज में देखा है कि काफ़ी अच्छी अच्छी जगह है वहाँ देखने के लिए और दुनिया के जो अजूबे हैं वहाँ आपको देखने को मिलेंगे क्योंकि काफ़ी स्टैचू हैं वहाँ बने हुए। तो अभी हम वहीं जाने वाले हैं तो अभी वहाँ चलते हैं और ऑटो हमने करवा लिया है तो अभी चलते हैं। मजा नहीं आ रहा है। हम अभी पहुंच चुके हैं वेस्ट ऑफ वंडर के बाहर ही हम और भाई ने हमें पहुंचाया। भाई कर दो भाई। टिकट हमने ले लिया अपनी तो अभी चलते हैं अंदर। तो कैसा लग रहा है सर? तो चलते हैं अभी अंदर, ये देख सकते हो आप वेस्ट ऑफ वंडर, ये बाहर का एरिया है। तो जनाब अंदर आ चुके हैं अभी वेस्ट ऑफ वंडर के अंदर और यहाँ के नज़ारे आपको दिखाते हैं। तो जो व्यू है वो आज आपको सभी यहाँ दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ शूट करने के परमिशन है तो इसलिए हमें थोड़ा सा छुप छुप के नहीं शूट करना पड़ेगा, खुल के आपको सभी यहाँ वेस्ट ऑफ वंडर के अंदर जो जो है वो सब कुछ आपको दिखाएँगे। तो मज़ा बहुत आने वाला है वीडियो में। तो जो सबसे पहले जो चीज़ है वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि इजिप्ट का पिरामिड यहाँ इन्होंने बना दिया है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलते हैं आगे और देखते हैं हमें क्या क्या और देखने को मिलता है क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम आया हूँ और काफ़ी ज़्यादा दिल्ली में फेमस जगह है ये भी, मुझे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ओ भाई साहब ये चीज़ तो काफ़ी मशहूर है। पहले बोर्ड दिखाऊंगा फिर मैं दिखाऊंगा आपको टावर, वो पीज़ा टावर इटली का, वो आपको दिल्ली में देखने को मिल जाएगा, देख सकते हो आप। अब दो चीज़ें हो गई हैं हमारी, एक तो हो गया इजिप्ट का पिरामिड और इटली का टावर। तो वो देखते हैं यहाँ क्या क्या है तो मज़ा बहुत आएगा। तो ये जो चीज़ है ये तो थोड़ा सा साइज इसका छोटा है, चीज वही है, हूबहू वही चीज बनाई है। तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो आज का जो ब्लॉग है हम यही एंड करते हैं। तो आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आपको एक नए ब्लॉग में एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।